Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivara Dhari, Jaya Girivara Dhari. Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivara Dhari, Jaya Girivara Dhari. Jaya Yashoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana, Jaya Jaya Yashoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana. Jaya Yamuna Tira Vanachari, Jaya Kunja Bihari. Jaya Yamuna Tira Vanachari, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Om Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Shtotara Sata. His Divine Grace Abhay Charanar Abind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री भाद्र पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समावेत भक्त वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भाद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हुए कृष्ण कथा के छठे दिन पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रसंग ये चल रहा है कि विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के तीर्थ यात्रा में गए थे। अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के बाद प्रभास क्षेत्र पहुंचे।
यदुवंशियों के विनाश की खबर वहां सुनी, फिर आगे सरस्वती नदी के तट पे चलते चलते फिर इधर यमुना के तट पे पहुंचे ब्रजभूमि श्री वृंदावन में। वहां उद्धव से मिले, उद्धव से मिलके बहुत ही आनंद हुआ विदुर को। भाव विभोर होकर विदुर ने उद्धव से अनेक प्रश्न किए, यदुवंशियों के बारे में, कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, पृथा कैसी हैं, अर्जुन कैसे हैं, कौरवों के बारे में भी पूछा और यदुवंशियों के बारे में भी पूछा। भीमसेन इतने देर से अपने हृदय में क्रोधित थे, जैसे एक सांप जो डसने के लिए तैयार होता है। दीर्घ काल से भीम ने अपने हृदय में यह क्रोध रखा हुआ था, अब यह क्रोध क्या भीम ने त्याग दिया है? इस तरह के प्रश्न विदुर जी ने अनेक कुरुवंशियों के बारे में और यदुवंशियों के बारे में किया। और आगे जब सारे प्रश्न उन्होंने किए कि इनके साथ सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं, उनके साथ सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं, फिर आते हैं धृतराष्ट्र के विषय में। और विदुर जी कहते हैं, सौम्य, हे सौम्य, उद्धव जी को सौम्य कह के संबोधित करते हैं। अनुशोचे तम अधः पतंतम भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यह। मैं अब उनके लिए शोच कर रहा हूं, अनुशोचे, मैं शोक कर रहा हूं उनके लिए जो कि अपने भाई की मृत्यु के बाद भाई के प्रति ही विद्रोह करने लगे, धृतराष्ट्र। क्योंकि धृतराष्ट्र के भाई थे पांडु, पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वो पांडवों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखे, उनकी रक्षा करे, उनको सुख सुविधा प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, परंतु धृतराष्ट्र ने ऐसे नहीं किया, बल्कि अपने भाई पांडु के प्रति ऐसे उन्होंने विद्रोह किया। तो अभी जब विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं उद्धव से, अब तक तो वो जानना चाहते थे कि जिनके बारे में, जैसे कुंती हैं और अर्जुन हैं, वो सब कैसे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के बारे में ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कोई लाभ नहीं है पूछने से। उनको पता था अंधः पतंतम अधः पतंतम, कि उनका पतन निश्चित है, वो नारकीय अवस्था की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, ये निश्चित है। ऐसे कौन से कार्य किए हैं धृतराष्ट्र ने? पहले तो उन्होंने पांडवों के प्रति इतना अन्याय किया, और फिर निर्यापितो येन सुहृत् स्वपूर्या अहम्। स्वपूर्य, मुझे अपने ही घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया, निर्यापित है, यद्यपि मैं धृतराष्ट्र का सुहृद हूं, मैं उनके हृदय के बहुत निकट हूं, मैं शुभ चिंतक हूं धृतराष्ट्र का, फिर भी मुझे घर से उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? स्वपुत्रान समनुव्रतेना, अपने पुत्रों की बात मान के, अपने पुत्रों की बातों में हां में हां मिला के मुझे अपने ही घर से बाहर कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं, अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण के बारे में विदुर ने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उनको पता था कि धृतराष्ट्र के कल्याण के लिए कोई संभावना थी ही नहीं, और केवल खबर ये थी अधः पतंतम, कि नारकीय अवस्था की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे विदुर जी धृतराष्ट्र के शुभचिंतक थे। यद्यपि धृतराष्ट्र के द्वारा
विदुर के प्रति भी इतना अन्याय हुआ, पांडवों की बात तो दूर रही, फिर भी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अपमानित होने के बाद भी अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में द्वेष या घृणा कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि क्षमा करना ये एक भक्त का गुण होता है। हम क्षमा तब कर सकते हैं किसी व्यक्ति को जब हम बहुत सहनशील होते हैं और बहुत नम्र होते हैं। हम अपेक्षा नहीं करते सम्मान की, प्रतिष्ठा की। जिस हद तक हमारे मन में सम्मान, प्रतिष्ठा, मान आदि की भावनाएं रहती हैं, उस हद तक हमारे अहंकार को दूसरों के अपशब्द बहुत ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। चोट पहुंचना ठीक है, ये तो एक मानवीय, एक स्वाभाविक चीज है, परंतु आगे चल के उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना रखना ये भक्तों के लिए विशेष करके उचित नहीं है। और विदुर जैसे महाभागवत भक्त अपने जीवन से हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारा हृदय ऐसे नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। जब हम किसी के प्रति घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो दुख किसको ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा कष्ट हमें ही होता है। हम ही अब हमारे हृदय में जल रहे होते हैं। ईर्ष्या जब होती है किसी व्यक्ति को अपने हृदय में, तो किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईर्ष्या वही काम कर सकता है जो कि हजारों शत्रु नहीं कर सकते, हमारे मन के शांति को भंग कर देता है। परंतु भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, हृदय के बहुत शुद्ध होते हैं। विदुर जी समझ गए कि धृतराष्ट्र की गति क्या होगी, फिर भी अपने बड़े भाई थे, बड़े भाई के शुभ चिंतक थे, इसलिए आगे चल के अंत में हम ये देखेंगे कि धृतराष्ट्र ने सोचा होगा कि विदुर बाहर चला गया, शायद विदुर जी हमारे शत्रु बन गए होंगे, परंतु नहीं। अंत में जब धृतराष्ट्र को आवश्यकता पड़ी, बुढ़ापे में जब मृत्यु के निकट आ पहुंचे थे, उस समय विदुर उनके साथ में थे। सुहृद इस शब्द की व्याख्या हम पिछले कई दिनों में कर चुके हैं। हमारा वास्तविक मित्र कौन है? जो हमारा वास्तविक शुभचिंतक है। शुभचिंतक कौन होता है? जो हमारा साथ न केवल अच्छे समय में देता है, परंतु हमारे कठिनाई के समय में भी साथ में रहता है। ऐसे जगत में बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं जो हमारे साथ ऐसे अवस्था में रहते हैं जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हमारे जीवन में, हमारे पास धन है, प्रसिद्धि है, समृद्धि है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो अनेक मित्र इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं। परंतु जब जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो इनमें से अनेक लोग दूर चले जाते हैं, गिने चुने लोग ही रह जाते हैं, वो हमारे सच्चे मित्र हैं। जैसे जब एक शक्कर का कण नीचे जमीन पर रखा जाता है तो सैकड़ों चींटियां वहां पर पहुंच जाती है, न जाने कैसे पहुंच जाती है। ठीक उसी तरह से जब हमारे जीवन में भी कोई अच्छी चीजें होती हैं भौतिक दृष्टि से, प्रसिद्धि हो, धन हो, कुछ हो, तो बहुत सारे लोग मित्र बन के आते हैं, लेकिन जब वो शक्कर का कण निकल जाता है तो चींटियां वहां से गायब हो जाती, उनका कोई काम नहीं वहां पर अभी। उसी तरह से किसी व्यक्ति के जीवन में जब धन आदि सब चले जाता है, संसार में वो घृणित अपमानित हो जाता है, तो चींटियों की तरह वो सारे बिखर जाते हैं, आते नहीं हैं। लेकिन विदुर जी ऐसे नहीं थे, विदुर जी वास्तव में सुहृत थे। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहि नाम अजात शत्रुभ शांता साधव साधु भूषणाः। शुद्ध भक्तों की व्याख्या कपिल देव श्रीमद भागवत के तीसरे स्कंद में ही करते हैं। भक्त वो होते हैं जो तितिक्षु होते हैं, सहनशील, करुणा से भरा हुआ उनका हृदय रहता है। अजात शत्रु किसी को शत्रु नहीं मानते हैं,
सबके शुभ चिंतक होते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। इस तरह से विदुर जी वास्तव में शुभ चिंतक होने के बाद भी धृतराष्ट्र ने ऐसा कार्य किया तो विदुर जी जानते हैं कि इनकी गति क्या होगी, पर आशा नहीं छोड़ी थी, आगे चल के वो धृतराष्ट्र की सहायता के लिए अवश्य जाने वाले थे। आगे विदुर जी कहते हैं कि भगवान के कृपा से मैंने मुझे उनके चरण कमलों का दर्शन हो पाया। वो भगवान जो कि साधारण व्यक्तियों की दृष्टि से छुप जाते हैं, अपने आप को दर्शाते नहीं है साधारण व्यक्तियों को, उनकी आंखों के ऊपर माया का पर्दा डाल देते हैं ताकि वो भगवान को पहचान नहीं सके। विशेष रूप से धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के प्रति छल करते हैं, उनको दर्शाते नहीं है अपने आप को। मैं ऐसे भगवान की कृपा से सारे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता रहा। तो जब विदुर जी का ऐसे अपमान हुआ, उनको घर से हस्तिनापुर से बाहर निकाला गया, तो दुर्योधन के शब्द अवश्य उनको तीर के समान चुभे, परंतु जब घर छोड़ के जाने का समय आया, तत्क्षण उनको ये ज्ञात हुआ कि ये वास्तव में भगवान की कृपा है, और बड़े शांत चित्त से अब वो चले गए और तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब विदुर जी इस तरह से बाहर चले गए हस्तिनापुर से, तो भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की और अंतःकरण से ही उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि विदुर चिंता नहीं करो, तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो ना, ठीक है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अपमान हुआ है, अब तुम निकल पड़ो अपने तीर्थ यात्रा में जाओ, और जब तुम तीर्थ यात्रा में रहोगे तुम अवश्य मेरा दर्शन कर पाओगे। और इसलिए जब विदुर जी यहां वहां भ्रमण कर रहे थे, याद रखिए 30-35 साल भ्रमण किए विदुर जी ने, तो वो श्री कृष्ण को हृदय में अपने अंतःकरण में देख पाए, अपने आप को श्री कृष्ण के बहुत निकट वो पाने लगे। यहां तक कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर महाराज को विश्व सम्राट कह के घोषित किया गया, राजगद्दी पर बैठे वो, उसके बाद भी विदुर जी तो अपने भ्रमण में तीर्थ यात्रा में थे ही, तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर हुई। परंतु जब श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ, उस समय विदुर जी श्री कृष्ण को नहीं देख पाए, इसलिए बहुत विचलित हो गए थे। और जब उद्धव का दर्शन उन्होंने ब्रजभूमि में किया, तो उनके हृदय की व्याकुलता कम हो गई, हृदय की पीड़ा जो है वो कम हो गई। जब एक भक्त किसी दूसरे भक्त से मिलता है तो अपने आप ही उसे अच्छा लगता है, बाहर का संसार है ये रेगिस्तान के बराबर है, जहां लोगों को आध्यात्मिक जीवन में भगवान के भक्ति में कोई रुचि नहीं है, बहुत स्वार्थी होते हैं, घमंडी होते हैं, तरह तरह के लोग पाए जाते हैं संसार में, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, कई बार भक्त लोग ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं बाहर की दुनिया से टक्कर लेकर, और कभी मंदिर में आते हैं तो उनको लगता है कि कितना अच्छा है यहां। उसी तरह से विदुर जी भी अपने दुख को भूल गए उद्धव जी का दर्शन करके। अपने भाई धृतराष्ट्र से विदुर जी का चरित्र बिल्कुल विपरीत था, अलग था। कहां धृतराष्ट्र भौतिक आसक्ति के कारण अपनी बुद्धि खो बैठे थे, उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी थी, परंतु विदुर भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण अब समझ गए कि मेरे घर से निकल जाना ये मेरे हित के लिए हो रहा है और मुझे अब वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। वहां घर के आराम में, राजमहल के ऐश्वर्य और सुविधाओं के बीच में
मैं सोच रहा था कि मैं अब स्वतंत्र हूं, सुखी हूं, परंतु ऐसा नहीं है। अब सच्चे सुख की प्राप्ति मैं कर रहा हूं, और इस तरह जब मैं भ्रमण करता रहूंगा, मैं भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके उन पर निर्भर रहूंगा और पूरी तरह से निर्भय हो जाऊंगा। जब श्री कृष्ण भगवत गीता में के 16वें अध्याय में दैवी गुणों का वर्णन करते हैं तो प्रारंभ करते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। अभयम शब्द से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला दिव्य गुण है निर्भय होना, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं कि यद्यपि ये जितने भी गुणों का वर्णन दैवी संपदा, दैवी प्रकृति के अंतर्गत आने वाले जितने भी गुण हैं, वो सबके लिए होने चाहिए, सबको अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से जो सन्यासी होते हैं उनको निर्भय होना चाहिए। भय कब होता है? जब हम सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा या किसी और का क्या होगा, परंतु जब हमें विश्वास है पूरा भगवान के ऊपर कि भगवान जो करेंगे सही करेंगे और अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो फिर डर किस बात का, भय बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो निर्भयता की भावना है वो तब संभव है जब हमारा अस्तित्व का शुद्धिकरण हो जाए। इसलिए अभयम के बाद कहते हैं सत्व संशुद्धि ही, अपने सत्व अपने अस्तित्व की शुद्धि करना। श्रील प्रभुपाद जी यहां सुंदर तात्पर्य में कहते हैं कि जब हम श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करते हैं, हम पूरी तरह से श्री कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। ऐसे निर्भर रहने के फलस्वरूप हमारे अस्तित्व का शुद्धिकरण होता है, और अस्तित्व का शुद्धिकरण होने के कारण हम निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं, अभय पद की प्राप्ति करते हैं। तो शुरुआत है शरणागति से। हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ में श्रील सनातन गोस्वामी ने परिभाषा दी है कि शरणागति वास्तव में है क्या। अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्यम् षड्विधा शरणागति ही। शरणागति के 6 अंग हैं, 6 प्रकार हैं। अनुकूल्यस्य संकल्पः, जो भगवान की सेवा के लिए, उनके भक्ति के लिए अनुकूल है, उसे दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में स्वीकार करना। दूसरी बात, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्, जो भगवान की सेवा और भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उन चीजों को दृढ़ता पूर्वक त्याग देना। तीसरी बात, रक्षिष्यति इति विश्वासो, इस बात का पूर्ण विश्वास होना कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, वही एकमात्र हमारी रक्षा कर सकते हैं और अवश्य करेंगे। गोप्तृत्वे वर्णम्, हमारा भरण पोषण करने वाले भी वही हैं। ये 4th लक्षण है शरणागति का। आत्मनिक्षेप, ये समझ लेना कि मैं इच्छा करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हूं अवश्य, परंतु मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं पूर्णतया निर्भर हूं भगवान के ऊपर। कार्पण्यम अर्थात अपने आप को बहुत नवनम्र समझना, अहंकार हृदय में नहीं होना, और इस तरह से भगवान के कृपा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना। षड्विधा शरणागति ही, तो यह शरणागति के 6 लक्षण हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि हे अर्जुन,
जब कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, सतत रत रहता है मेरी सेवा में, तो उसके जीवन में जो कमियां हैं मैं उनको पूर्ण करता हूं और उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसे योग क्षेम कहते हैं, वहामि अहम। योग अर्थात हमें चाहिए चीजें इकट्ठे करने की जो इच्छा होती है, और क्षेम अर्थात जिन चीजों को हमने पाया है उनकी रक्षा करने की चिंता होती है, पाने की इच्छा। और कई चीजें नहीं पाते हैं तो शोक हो जाता है, जिन थोड़ी बहुत चीजों को पा लेते हैं फिर उनकी रक्षा करने के लिए और भी चिंता हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रति पूरी तरह से शरणागत हैं, मैं योग क्षेम का देखभाल कर लूंगा। एक कहानी याद आ रही है, एक राजा था, अपने मंत्री के साथ वन में गया था किसी कार्य से भ्रमण करने के लिए। काफी समय बीत गया, रास्ता भूल गए बीच में। राजा और मंत्री यहां वहां भटक रहे थे और काफी भूखे भी हो गए। तो राजा का मंत्री जो था वो बड़ा भक्त था भगवान का। तो राजा ने कहा, देखो भाई बहुत भूख लगी है, हम जाके यहां ढूंढते हैं आसपास में कोई यदि ऐसे घर हो जहां वो हमें भोजन दिला सके, तो आओ हम दोनों जाते हैं। तो मंत्री ने कहा, नहीं नहीं मेरा जप समाप्त नहीं हुआ है, मुझे जप कर लेना है। तो राजा ने कहा, तुम जप करते बैठोगे या फिर भोजन ढूंढने जाओगे? देखो कर्म ही प्रधान है दुनिया में, ये जप और इत्यादि कोई काम के नहीं है। जब कर्म करोगे तब फल मिलेगा, बिना प्रयास किए हुए बैठे रहोगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा जीवन में। तो मंत्री ने कहा, नहीं नहीं मुझे जप समाप्त करना है। तो राजा चल पड़े इधर उधर वन में घूमने लगे और वन के कोने पे एक घर तक पहुंचे। वहां कोई लोग थे घर के अंदर, उन्होंने देखा कि अरे हमारे राजा आए हैं हमारे घर में, तो बहुत खुशी से राजा का स्वागत किया, उनको भोजन भी दिया। और राजा ने कहा, मेरे मंत्री भी वहां वन में बैठे हैं, उनके लिए भी थोड़ा भोजन दे देना। तो राजा गए थे वहां भिक्षा मांगकर, अभी भोजन लेके आए और फिर मंत्री के पास गए। तो मंत्री के पास जाकर भोजन दिया राजा और मंत्री को और कहा कि देखा, कर्म किए बिना प्रयास किए बिना कुछ नहीं होता, अब ये लो तुम भी ले लो खा लो। मंत्री ने पहले खा लिया सब कुछ, खाने के बाद जब पेट भर गया था कहा कि देखा ना क्या अद्भुत बात हुई, क्या अद्भुत बात हुई, मैं जप करते बैठ गया और सारे प्रांत देश का राजा जो है मेरे लिए भिक्षा मांग के भोजन लेके आया। मैं यहां बैठ के जप कर रहा था, आप जाके परिश्रम करके आए मुझे खिला दिया आपने, बस देखो भगवान के नाम से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन एक चेतावनी यहां देनी पड़ेगी, आप जानते हैं कौन सी चेतावनी है ये, भगवान के ऊपर निर्भर होना, भगवान के चरण कमलों के प्रति शरणागत होना, ये हमारे लिए बहाना नहीं बनना चाहिए लापरवाही के लिए, गैर जिम्मेदारी के लिए, आलस के लिए। भगवान के भक्ति के नाम पे हमारे निहित कार्यों को नहीं करेंगे, हमारे जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, नहीं नहीं हमें जप करना है या हमें मंदिर जाना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें भगवान के शरण को अंतःकरण से स्वीकार करना चाहिए, अपने निहित कार्यों को करते रहना चाहिए, परंतु जानना चाहिए कि हम नियंता नहीं हैं। अंततः जो होता है भगवान की योजना से होता है। हमें सत्संग में आके अपनी बुद्धि शुद्ध करनी चाहिए और ऐसे शुद्ध बुद्धि से हमारे जीवन की योजनाएं बनानी चाहिए जो हमारे भक्ति के लिए हितकारक हों। तो खैर इस तरह से
विदुर जी कह रहे हैं कि कैसे वो भ्रमण करते रहे, कृष्ण का दर्शन करते रहे वो अंतःकरण में, परंतु किसी से भगवान के बारे में बात नहीं की उन्होंने, अपनी भावना को, अपने साक्षात्कार को अपने अंदर ही रख के वो यहां वहां भ्रमण कर रहे थे और कोई भी विदुर को पहचान नहीं पाए। और बहुत लंबे समय के बाद फिर विदुर आ पहुंचे थे हस्तिनापुर, लेकिन अब यहां वो उद्धव से मिले हैं। और फिर आगे कहने लगे, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण हर एक व्यक्ति के दुख का निवारण करने के लिए तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं, फिर भी उन्होंने कुरुओं को, कुरुवंशियों का विनाश नहीं किया। यद्यपि उन्होंने विविध प्रकार के भयंकर पाप और अपराध किए थे, और यद्यपि इतने बड़े बड़े जो ऐसे राजा थे पृथ्वी पर, जो बहुत ही उपद्रव मचा रहे थे अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं को साथ में लेकर, फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी हत्या नहीं की, तुरंत उनकी हत्या नहीं की। और ये सब बड़े बड़े जो राजा आदि हैं, नेता आदि, अहंकार से युक्त होकर वो यह वहां उन्मत्त होकर अहंकार से नाना प्रकार के गलत कार्य कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे सारे पृथ्वी पे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने लंबे तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें कही हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवद गीता में घोषणा करते हैं कि वो यहां पर दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भी प्रकट होते हैं। इसके बावजूद जब द्रौपदी का इतना घोर अपमान हुआ, उन्होंने द्रौपदी की रक्षा तो अवश्य की उनके वस्त्रों के रूप में अवतार लेके, फिर भी तत्क्षण उन्होंने कौरवों की हत्या नहीं की। उन्होंने तो वचन दिया है कि वो दुष्टों का विनाश करने के लिए आएंगे, विनाशाय च दुष्कृताम। तो ऐसे दुष्ट लोग जब अपने कार्य इस तरह कर रहे थे, तो द्रौपदी की रक्षा की उन्होंने वस्त्र प्रदान करके, परंतु कौरवों की हत्या उसी क्षण उन्होंने क्यों नहीं की, बाद में जाके भी क्यों नहीं की अपने हाथों से? तो ये एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने ऐसे सहन क्यों किया, इतना अन्याय हो रहा था, इतने अत्याचार कौरवों ने किए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि द्रौपदी की रक्षा उन्होंने की, परंतु काफी देर से की ना, द्रौपदी को अपमानित तो होना ही पड़ा ना, बीच में आना पड़ा। अंततः द्रौपदी भी बहुत श्रद्धालु भक्त हैं। जब ये घटना पूरी हो गई, आगे और भी बहुत से विकट परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा, तो द्रौपदी देवी ने एक बार ऐसे कहा था, प्रतिज्ञा तव गोविंद नमे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान धारयाम्यहम्, कि हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा ली थी, आपने वचन दिया था, प्रतिज्ञा तव गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा क्या है, नमे भक्त प्रणश्यति। भगवद गीता में भी भगवान ऐसे ही कहते हैं ना, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होगा। इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इसी प्रतिज्ञा को मैं बार बार याद करती हूं, और इसलिए प्राणान धारयाम्यहम्, इसलिए मेरे शरीर में अपने प्राण को धारण करके रख पाई हूं आज तक, क्योंकि आपने आश्वासन दिलाया है कि आप आपके भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। तो द्रौपदी और अन्य जितने भी शुद्ध भक्त हैं, ये रक्षिष्यति इति विश्वासो, इस सिद्धांत को अवश्य पालन करते हैं। तो प्रश्न फिर भी ये रहता है कि भगवान ने ऐसे सहन क्यों किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने उस समय कोई कदम नहीं उठाया, भगवान उस समय खामोश रहे,
परंतु भगवान के खामोश रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उन्होंने कौरवों को क्षमा कर दिया था, ऐसा नहीं है। और कौरवों के अतिरिक्त और बहुत सारे ऐसे राजा थे पृथ्वी के ऊपर जो बहुत उत्पात मचा रहे थे। तो भगवान ने प्रतीक्षा इसलिए की कि वो एक छोटा रास्ता चाहते थे अपने उद्देश्य की पूर्णता के लिए। वो चाहते थे कि इन सारे दुष्ट लोगों को एक स्थान पर बुलाया जाए। ये लोग जो कि पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा भार बन चुके हैं, जिस कारण पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई थी त्राही त्राही करके, रक्षा कीजिए क्योंकि इतना उत्पात मेरे ऊपर हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। और इसलिए भगवान ने वचन दिया था कि मैं प्रकट हो जाऊंगा शीघ्र ही, यह आश्वासन सारे देव देवताओं को देना। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि एक झटके में उनका सारा उद्देश्य संपूर्ण हो जाए। तो उन्होंने प्रतीक्षा क्यों की? ताकि सारे पृथ्वी से, जगह जगह से, कोने कोने से ये सारे बड़े बड़े क्षत्रिय लोग आए और एक ही स्थान में, एक जगह, एक समय, बस थोड़े गिने चुने 18 दिनों में सब विध्वंस हो जाए, पृथ्वी पे इसके ऊपर जो भार है वो कम हो जाए, जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म परायण हैं, वो यहां रहें। तो ये पहला उद्देश्य था, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को श्रेय देना चाहते हैं, और ये वास्तविक बात है, सत्य है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं किसी कार्य के लिए। ये एक दिव्य स्पर्धा है भक्त और भगवान के बीच में। भक्त भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। भक्त भगवान को हर अच्छी चीज के लिए श्रेय देना चाहते हैं, भगवान हर अच्छी चीज के लिए अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को और कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः लोकान समाहर तुम इह प्रवृत्तः, कि हे अर्जुन, कालः अस्मि, मैं काल हूं, लोकक्षय कृत प्रवृत्तः, मैं इस समय महान विनाश करने के लिए आया हूं काल के रूप में समस्त लोगों का। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्ता, इसलिए सबके विनाश करने में मैं लगा हुआ हूं। आगे चल के भगवान कहते हैं, तस्मात्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, इसलिए अर्जुन उत्तिष्ठ, उठो तुम और तुम युद्ध करो, यश लभस्व, और तुम यश की प्राप्ति करो, सफलता की प्राप्ति करो, प्रसिद्धि की प्राप्ति करो, जित्वा शत्रुन, अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, अपने इस राज्य को भोगो। और भगवान कहते हैं, ये सब भीष्म द्रोण कर्ण आदि हैं, इनको तो मैंने मार ही डाला है अर्जुन, तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों ऐसे सोच रहे हो, संकोच क्यों कर रहे हो, हिचकिचा क्यों रहे हो, पहले से ही मेरे काल रूप में मैंने उनको मार डाला है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम केवल एक मेरा निमित्त बनो, निमित्त बन के तुम कार्य करो और श्रेय तुम्हें जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्क्षण कौरवों का विनाश इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे। यदि उसी समय कृष्ण ऐसे करते तो कृष्ण को श्रेय मिल जाता। कृष्ण ने यह भी वचन लिया था कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे युद्ध भूमि पर,
तो अब जब के कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो श्रेय किसको गया? अर्जुन को. अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने इस तरह से युद्ध किया कि पांडव सब विजयी हो गए. तो ये बहुत ही सुंदर बात है, भक्त और भगवान के बीच में ये संबंध है. तो भगवान चाहते हैं कि जब भी कोई अद्भुत कार्य हो वो अपने भक्तों के द्वारा संपन्न करवाते हैं. शक्ति भगवान की होती है परंतु माध्यम भक्त बन जाते हैं. जैसे रामायण के लीलाओं से हम जानते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र के यहां इस ओर खड़े थे और संपाति के कहने पर उनको पता चला कि सीता देवी लंका में है समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में, तो अन्य जो वानर वगैरह हैं वो इस काबिल नहीं थी कि वो छलांग मार सकें, समुद्र को पार कर सकें, परंतु हनुमान जी ने किया, एक छलांग मारी और समुद्र के इस पार से उस पार पहुंच गए. परंतु जब श्री राम को जाना था तो उनको सेतु का निर्माण करना पड़ा, वो नहीं उड़ के गए, छलांग मार के नहीं गए, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण किया था. मनुष्य समाज में वो आए थे, एक साधारण मनुष्य की तरह वो कार्य कर रहे थे. इसका मतलब ये नहीं कि श्री राम यूं ही छलांग मार के नहीं जा सकते थे, अवश्य वो भगवान है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते. फिर भी वो अपने भक्त को श्रेय देना चाहते थे. देखो हनुमान ने कितना अद्भुत कार्य किया और हनुमान को वो शक्ति कहां से मिली? भगवान श्री राम से मिली. तो इस तरह से भगवान श्रेय अपने आप नहीं लेते हैं, अपने भक्तों को देते हैं. और यदि कोई दोष हो, कोई गलती हो, कोई आरोप हो तो भगवान भक्तों के ऊपर न देके अपने ऊपर लेते हैं. इसलिए जब अर्जुन ने वचन दिया था कि मैं इन पांच तीरों, भीष्म देव क्षमा कीजिए, ने वचन दिया था कि मैं पांच तीरों से पांचों पांडवों की हत्या करूंगा, तो कृष्ण भगवान को पता चला और अर्जुन ने जाके दुर्योधन से ये पांच तीर ले लिए थे. तब भीष्म देव को पता चला कि कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण ने ऐसे खेल खेला है, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने मेरे वचन को तोड़ा है मैं श्री कृष्ण के वचन को तोड़ूंगा. कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई हथियार हाथ में उठाऊंगा नहीं, परंतु भीष्म देव ने इस तरह से युद्ध किया कि कृष्ण बाध्य हो गए, अर्जुन के रथ के चक्के को हाथ में पकड़ना पड़ा और आक्रमणात्मक भाव से भीष्म की ओर आगे जाना पड़ा. तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे भक्त के वचन को कभी नष्ट होने नहीं दूंगा मैं, मेरा वचन भले कम हो जाए, कभी नष्ट भी हो जाए, परंतु मेरे भक्तों का शब्द जो है वो बिल्कुल विश्वसनीय रहना चाहिए. तो ये है भगवान के गुण. फिर आगे विदुर जी कहते हैं, अजस्य जन्मोत्पथ नाशनाय कर्माण्यकर्तुर गृहणाय पुंसाम. अजस्य, भगवान तो अज हैं अर्थात अजन्मे हैं, तो ऐसे अज भगवान का जन्म होता है. देखिए जो अज हैं वो जन्म लेते हैं. उत्पथ नाशनाय, उत्पथ अर्थात जो बहुत दुष्ट लोग होते हैं, उपद्रव मचाने वाले लोग होते हैं, उनके नाश के लिए. अजस्य जन्मोत्पथ नाशनाय, तो जो व्यक्ति अजन्मे हैं वो जन्म लेते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए. परंतु जैसे हम पहले दिन पे चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण का जन्म ये केवल तथा कथित जन्म है, हमारे जैसे जन्म उनका नहीं है. कर्माणि अकर्तुः ग्रहणाय पुंसाम, फिर आके इस तरह से वो कर्म करते हैं, अपने लीला प्रदर्शित करते हैं. क्यों? ग्रहणाय पुंसाम, ताकि सारे मनुष्य इन लीलाओं को देख सकें, इनके बारे में सुन सकें, उनको ग्रहण कर सकें अपने जीवन में.
भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन करने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वो सबों को आकर्षित करना चाहते हैं उनकी ओर। हम जब यहां संसार में रहते हैं तो हमारी वृत्ति संसार में लगी हुई रहती है, ध्यान सदैव संसार में रहता है, मग्न रहते हैं हम दुनिया के विषयों में। तो भगवान चाहते हैं कि हमारे चित्त को संसार से हटा के वो अपने आप में स्थित करें, इसलिए यहां धरती पर प्रकट होके वो नाना प्रकार के लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यक नृशिशु यादहस्सु तद अत्यंत विडंबनम। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, ये बड़ी विडंबना या आश्चर्य की बात है, बहुत सारे लोक हैं और वैदिक शास्त्रों के अनुसार हर एक लोक या ग्रह के साथ या ग्रह के ऊपर एक कोई अधिष्ठाता देव रहते हैं। जैसे हर एक देश में कोई राष्ट्रपति रहते हैं, कोई राजा होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, तो भगवान के व्यवस्थापन में हर एक लोक या ग्रह के पीछे एक अधिष्ठाता देव होते हैं। तो अलग अलग लोकों में कभी कभी उपद्रव मच जाता है, कोई कठिनाई होती है, और ये अधिकांश जितने भी अधिपति होते हैं लोकों के, वो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं। तो भगवान उनकी रक्षा के लिए, उनके हित के लिए प्रकट होते हैं, ऐसे विदुर जी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं जो स्वेच्छा पूर्वक भगवान के नियंत्रण में जाते हैं। देखिए, स्वेच्छा पूर्वक शब्द महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सभी लोग भगवान के अधीन हैं। जो लोग भगवान के अधीन, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको भगवान के महामाया के अधीन होना पड़ता है। अज्ञानवश वो नहीं जानते हैं कि वास्तव में प्रकृति के कड़े नियमों से उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, तेपीशे तंत्र्याम अरुदाम निबद्धाः। ईश तंत्र्याम अर्थात भगवान के कड़े नियमों के द्वारा बंधे हैं, वो नहीं जानते हैं। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो स्वेच्छा से भगवान के अधीन होते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक जो ऐसे बड़े बड़े अधिपति समस्त लोकों के, और दूसरे हैं उनके शुद्ध भक्त। और भगवान सदैव ध्यान पूर्वक उनकी हित के बारे में सोचते रहते हैं कि इनका भला कैसे हो। अंत में श्रील प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा में जाने का उद्देश्य है सतत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना और उनका गुणगान करना। और आज भी मथुरा वृंदावन जैसे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहां पे प्रचुर मात्रा में लोग जाते हैं इसी कार्य के लिए। भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके विग्रहों का दर्शन करते हैं। और एक ऐसे तीर्थ स्थान का सौंदर्य ऐसे है कि जब हम उस स्थान में प्रकट होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने आप ही भगवान का स्मरण होने लगता है। जहां पे भगवान के भक्त इकट्ठे होकर भगवान का गुणगान करते हैं वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। पद्म पुराण में श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र गायन्ति नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। तो जहां मेरे भक्त लोग मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहां निवास करता हूं। हे अर्जुन, हे नारद जी, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता, हालांकि वो करते हैं,
मैं योगियों के हृदय में नहीं निवास करता, हालांकि वो करते हैं, परंतु विशेष रूप से भगवान उस स्थान में रहना पसंद करते हैं जहां पे उनका भक्त, उनके भक्त इकट्ठे होकर उनका गुणगान करते हैं। तो जहां भक्त लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं और श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, वही स्थान तीर्थ या तीर्थ स्थान बन जाता है। तो यहां श्री राधा रास बिहारी मंदिर है, प्रतिदिन यहां दिन भर भगवान की सेवा चलती रहती है, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन होते हैं, नाम संकीर्तन चलता है, कृष्ण कथा होती है, तो यह भी तीर्थ स्थान है। परंतु तीर्थ स्थानों में जाके यदि हमने भगवान का गुणगान नहीं किया तो फिर क्या लाभ। इस तरह तीसरे स्कंद के का पहला अध्याय समाप्त होता है और अब इसके साथ तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का स्मरण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह जब विदुर जी ने बात की उद्धव के प्रति, तो फिर उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि श्री कृष्ण के विरह में वो बहुत ही दुखी थे और तैयार नहीं थे कुछ उत्तर देने के लिए। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रा वार्ताम प्रियाश्रयाम। इस तरह से जब पूछे जाने पर विदुर के द्वारा, जो उद्धव हैं, प्रतिवक्तुम न चोत्सेह औत्कंठ्यात स्मारितेश्वरः। औत्कंठ्यात अर्थात विरह के अत्यंत दुख में या विचलित होने के कारण, चिंतित होने के कारण तुरंत वो विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, वो कुछ भी बोल नहीं पाए, ऐसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने बहुत सुंदर टीकाएं भी लिखी हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर, वो कहते हैं कि इस दूसरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि उद्धव जी के चेहरे पे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे श्री कृष्ण प्रेम के विरह के आंसू। और क्योंकि प्रेमावेश में थे, प्रेम से उनका चित्त विह्वल हो गया था, और इसलिए वो आगे धीरे धीरे करके वृंदावन के लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं थोड़ी देर बाद, और रास लीला तक वर्णन करते हैं। बीच बीच में वो मूर्छित हो जाते थे कृष्ण के विरह में, और इसलिए विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर कभी कभी नहीं दे पाते थे। परंतु जब विदुर जी कुछ ऊंचे स्वर में प्रश्न पूछते, तब वो उनकी बाह्य चेतना खुल जाती, फिर वो सोचते अच्छा विदुर जी ने ऐसे प्रश्न किया है तो मुझे क्या उत्तर देना चाहिए। तो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विरह में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, यह विषय श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसी बात को जानने के लिए ही तो श्री कृष्ण ने उद्धव को मथुरा से वृंदावन भेजा था, ताकि वो जान लें कि विरह की सेवा कैसी होती है, ये श्रेष्ठ माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसे विप्रलंब सेवा कहते हैं, और यहां पर उद्धव जी भी इसी विरह भाव का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें कि दिव्य उल्लास का अनुभव होता है। जब भौतिक जगत में हम किसी के प्रति विरह में रहते हैं तो केवल दुख होता है, सुख नहीं मिलता, क्योंकि भगवान परम है, आध्यात्मिक स्तर में स्थित हैं, इसलिए उनके प्रति जब कोई विरह की भावना होती है तो उसमें भी एक ऐसे अद्भुत दिव्य आनंद का स्वाद मिलता है
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता. केवल वही लोग जिसका जो इसका अनुभव करते हैं वही जान पाते हैं कि ये क्या है. ये अति आह्लाद के अवस्था में उनको दुख भी होता है और आनंद भी होता है. ये बहुत ही अचिंत्य बात है. लेकिन ये विरह की भावना कब होगी? जब हृदय में भगवान के प्रति अतीव प्रेम है तब ये संभव है. जहां प्रेम नहीं है वहां विरह कैसे उत्पन्न होगा? संभव नहीं है. तो विदुर जी की ये दशा थी. इसलिए जैसे विदुर जी बात कर रहे थे तो बस वो अपने आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे थे, कुछ बोल नहीं पाए. फिर सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी का गुणगान करते हैं. यह पंचहायनो मात्र प्रातः आशाय याचितः तन्नैच्छत् रचयन् यस्य सपर्याम बाल लीलया. यह यही उद्धव पंचहायनो जब 5 वर्ष के थे, मात्रा अर्थात उनकी मां ने प्रातः आशाय याचितः सुबह का नाश्ता भोजन करने के लिए बुलाया बच्चे को, उद्धव को. तन न इच्छात, लेकिन उद्धव जी इच्छुक नहीं थे अपने भोजन सुबह का नाश्ता लेने के लिए. क्यों नहीं थे? रचयन यस्य सपर्याम बाल लीलया. वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में इतने रत थे, इतने मग्न थे कि जब उनकी मां ने बुलाया कि आओ सुबह का नाश्ता ले लो, उन्होंने नहीं, वो नहीं गए वहां पे. इससे में उद्धव केवल 5 साल के बालक थे और वो खेलते थे. रचयन, बच्चे जो होते हैं वो गंभीरता पूर्वक सेवा नहीं कर सकते, वो अपने खेल खेल में सेवा करते रहते हैं. तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जन्म से ही उद्धव श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे. वो एक नित्य सिद्ध हैं. नित्य सिद्ध अर्थात जो कभी बद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं, जो परिपूर्ण अवस्था में रहते हैं, जिनकी चेतना कभी भी इस संसार के त्रिगुणों से कलुषित नहीं होती है. तो बचपन से ही वो ऐसे श्री कृष्ण के गुड़िया प्रतिमाएं वगैरह बनाए करते थे, उनके साथ खेलते थे और इस तरह से अपने अपने सामग्री तैयार करते थे. झूठे झूठे छोटे छोटे नकली सामग्री बना के वो उन गुड़िया को जो है भगवान रूपी गुड़िया को वो ऐसे उनकी सेवा करते थे. ऐसे उस बच्चे की पूजा विधि चल रही थी और इस पूजा विधि में इतने मग्न हो जाते थे उद्धव कि जब मां बुलाती थी कि आओ प्रसाद ले लो भोजन खा लो, तो उनको रुचि नहीं होती थी जाने के लिए. कहते थे अब नहीं, मेरी पूजा समाप्त नहीं हुई है. देखिए ये बहुत सौभाग्य की बात है. बचपन से ही जब ऐसे लक्षण किसी में दिखाई पड़ते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये पूर्व जन्म से चलते आ रहा है. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः. पूर्व जन्मों के अभ्यास के फलस्वरूप इस जन्म में किसी के भीतर स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है. तो उद्धव जी तो नित्य सिद्ध हैं. प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि जितने जल्दी किसी व्यक्ति के जीवन में कम आयु से ही उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया जाता है उतना ही अच्छा है. क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की चेतना प्रदूषित हो जाती है संसार के माया से, कुसंग से, बाहर के वातावरण से. इसलिए शीघ्रातिशीघ्र बाल्यावस्था में ही बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जो कि भक्तिपूर्ण हो, ताकि आगे चल के बच्चा आजीवन भक्ति के रास्ते को कभी छोड़े नहीं,
और इधर उधर डगमगाए नहीं माया के प्रलोभनों को देखकर। यहां प्रभुपाद जी भगवद गीता के दो श्लोकों का उल्लेख करते हैं जिसमें श्री कृष्ण भ्रष्ट योगी का वर्णन करते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जब कोई योगी होता है, चाहे वो भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, किसी एक जीवन में अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे अगले जन्म में एक अवसर मिलता है और आने अगले जीवन में सबसे पहले तो वह स्वर्गलोक जाता है। वहां लंबे समय जीकर फिर जब पृथ्वी लोक में लौट के आता है, यहां जन्म लेता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, कोई पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है या किसी धनवान कुल में जन्म लेता है ताकि आगे उसको भक्ति में बढ़ने के लिए सुविधा हो। कम से कम ये चिंता उसे नहीं करनी पड़ती है कि दाल रोटी कहां से मिलेगी, सब कुछ पर्याप्त है, संस्कार भी अच्छे मिलते हैं घर में। लेकिन जो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं इस आध्यात्मिक मार्ग में, उन्हें स्वर्गलोक जाना नहीं पड़ता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सीधे एक भक्त के घर में जन्म मिलता है ताकि बचपन से ही वो भगवान की भक्ति जारी कर सकता है। तो किस प्रकार से बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए, संस्कार देने चाहिए, ये सारी बातें यहां पे आती हैं। राजा परीक्षित जो शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, वो भी इसी तरह बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण के पुतलियों से, गुड़ियों से खेलते थे। वो भी बचपन से ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। वैसे भारतवर्ष में दुर्भाग्यवश एक गलत धारणा है जो बहुत ही प्रचलित है, और वो धारणा ये है कि आध्यात्मिक पथ पर केवल उस समय हमें जाना चाहिए जब हम बूढ़े हो जाते हैं। आपने सुना होगा, ये अवश्य आपसे भी किसी ने कहा होगा, यदि आपकी आयु उतनी नहीं है तो लोगों ने कहा होगा, ये भाई क्या कर रहे हो, ये थोड़ी ना उम्र है भक्ति करने की, ये तो बुढ़ापे में किया जाता है। परंतु हमारे शास्त्र ऐसे नहीं कहते हैं। एक बार एक छोटा लड़का था, 12-13 साल का हुआ होगा, वो आके कहने लगे कि सब लोग कह रहे हैं कि ये उम्र नहीं है भक्ति शुरू करने की। तो हमने कहा, उनसे जाके कहो कि आप सही कह रहे हो, भक्ति शुरू करने की उम्र अब नहीं है, भक्ति शुरू करने की उम्र 5 साल की है, बल्कि जब मैं माँ के गर्भ में था तब से शुरू करना चाहिए था मुझे, क्योंकि प्रहलाद महाराज ऐसे ही कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जीवन बड़ा अर्थदम है, मूल्यवान है, इसी में केवल भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बचपन से ही, कुमार अवस्था से ही हमें ऐसे भगवान के भक्ति के रास्ते में लगना चाहिए। और प्रहलाद महाराज की कथा हम सुन चुके हैं, ध्रुव महाराज की बात हम जानते हैं, परीक्षित महाराज भी बचपन में ऐसी सेवा करते थे, उद्धव का वर्णन तो हम ऐसे पढ़ ही रहे हैं यहां पर। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक जीवन और विशेष रूप से भक्ति का प्रारंभ बाल्यावस्था से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापे के लिए हम प्रतीक्षा करें। और बुढ़ापा आखिर क्या है? बुढ़ापा कौन से आयु बुढ़ापे की आयु है? एक सज्जन हमसे मिले थे,
Okay, हमारे परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, कहते हैं कि ये आयु नहीं है. मैंने कहा आपकी आयु क्या है, कहने लगे 55. अब देखिए 55 की आयु होने के बाद भी ऐसे लोग कहेंगे ये उम्र नहीं है, तो कब करेंगे. ये सारी गलत धारणाएं हैं. वास्तव में जब हम युव अवस्था में रहते हैं, हमारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, बुद्धि कुछ तेज रहती है, कुछ हम समझने की क्षमता हमें रहती है, जीवन शैली बदलने की इच्छा भी कभी कभी रहती है, बुढ़ापे में बहुत मुश्किल होता है. इसलिए कम उम्र में ही यदि हम ये सब बातें सीख लें, अच्छी आदतें बना लें, अच्छे संस्कार हमें मिल जाएं, तो आजीवन ये सब हमारा साथ देंगे. तो वैसे कई ऐसे श्लोक हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भक्ति हमें बाल्यावस्था में ही शुरू करनी चाहिए. भज गोविंदम स्तोत्र आपने अवश्य सुना होगा. उसमें हम पढ़ते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम. यह कहा जाता है अंगम गलितम, शरीर है और शरीर के जितने भी अंग हैं अवयव हैं गलितम कमजोर हो चुके हैं. पलितम मुंडम, जो बाल हैं वो सब पक गए हैं, सफेद हो गए हैं. गृहीत्वा याति, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम. देखो वृद्ध व्यक्ति जा रहा है दंड ग्रहण करके, क्योंकि चल नहीं पा रहा है, दंड की सहायता चाहिए उसे. तो वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम वृद्धावस्था का वर्णन है. तदपि न मुंचति आशा पिंडम, जो आशाओं का पिंड है, आशाएं कितनी भरी रहती है मन में बुढ़ापे में भी. ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आ गया इसलिए अपने आप इच्छाएं चली जाएंगी, नहीं. और आशाओं का पिंड भरा हुआ है, न मुंचति, इससे अब उसको छोड़ना नहीं चाहता है वो. ये उसकी दशा हो गई, फिर भी नहीं छोड़ना चाहता. तो ऐसे केवल बुढ़ापे की राह देखेंगे कि बूढ़े होकर हम भक्ति करेंगे, ये कभी नहीं होगा. और एक बात कहते हैं, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परोपि ब्रह्मणी कोपी न सकता. बाल्यावस्था में बच्चा है वो क्रीड़ा से आसक्त रहता है, युव अवस्था में तरुण तरुणी के प्रति आसक्त होता है, तरुणी तरुण के प्रति आसक्त होती है, ऐसे तरुण अवस्था बीत जाती है. बाल्यावस्था क्रीड़ा में, तरुण अवस्था इस प्रकार से, और वृद्धस्तावत चिंता सकता, वृद्धावस्था में चिंता कर करके समय बीत जाता है. परेपि ब्रह्मणी कोपी न सकता है, तो पर ब्रह्म भगवान के बारे में समय कहां है, कोई भी आसक्त नहीं है, न बचपन में न युव अवस्था में न बुढ़ापे में. ये विडंबना है, ये समस्या है. इसलिए हमारे शास्त्रों का निष्कर्ष स्पष्ट है, प्रारंभ से ही बच्चों को यहां भक्ति के कार्य में लगाना चाहिए. जब हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं या किसी अच्छे अवसर पर कुछ भेंट देना चाहते हैं, तो हम यदि हम फूल उनको देते हैं तो किस प्रकार का फूल देते हैं, जो बहुत ताजा हो, मुरझाया हुआ नहीं हो, ऐसे फूल देते हैं ना. यदि हम जाके ऐसे फूल दें जो 10 दिन पुराना वाला है, मुरझा गया है, उसकी पंखुड़ियां गिर गई हैं, तो व्यक्ति तो खुश नहीं होगा ना. उसी प्रकार से जब हमारे जीवन की आयु कम रहती है, हम कहते हैं ये जो युव अवस्था है जहां हमारी इंद्रियां प्रबल हैं, हम खूब भोग करेंगे. लेकिन जब अब शरीर बूढ़ा हो जाता है, भोग नहीं कर सकते, तो आके फिर भगवान के पास कहेंगे
गोविंद भोग है ना, जानते हैं ना, अभी आपके पास हम सब दे देंगे, कैसे होगा, संभव नहीं है। ऐन वक्त पर हमारी आदतें कैसे बदलेंगी, शुरुआत से जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे, अंत काल में कैसे भगवान का स्मरण करने का की संभावना हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी कारणवश यदि विलंब हो जाता है किसी व्यक्ति को भगवान के मार्ग में आने के लिए तो उसे नहीं आना चाहिए, नहीं। उदाहरण हमारे शास्त्र में सारे के सारे हैं। मां के गर्भ में परीक्षित महाराज ने अपनी भक्ति प्रारंभ कर ली, बाल्यावस्था में प्रहलाद और ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति प्रारंभ कर ली, उद्धव और उद्धव ने भी, तरुण अवस्था में भरत महाराज ने की, प्रौढ़ अवस्था में अजामिल ने की, मृत्यु के क्षण पर मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए धृतराष्ट्र ने की विदुर जी की कृपा से। तो इस समय हमारी आयु कुछ भी क्यों ना हो, हम बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, जो भी हो, कोई बात नहीं, अब हमें भगवान की भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए और जीवन को सफल हम अवश्य बना पाएंगे। निराशा की कोई बात नहीं है, तो भक्तों के संग में हम आए और भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित ही हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। उद्धव इस प्रकार से भाव विभोर हो गए थे और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनकी आयु इतनी बढ़ गई थी क्योंकि श्री कृष्ण के समकालीन थे ना, तो इस समय श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल हो चुकी थी, तो उद्धव की भी आयु उतनी ही हुई होगी, विदुर जी की आयु तो और भी ज्यादा थी। तो इतने वर्ष बीतने के बाद भी बुढ़ापे के लक्षण उद्धव में नहीं दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। द्वारका वासी जो है वो उनके अंदर वो एक तरुण अवस्था दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन खैर इतने साल बीतने के बाद भी उद्धव जी की भक्ति करने की तीव्रता में कोई घटन नहीं हुआ। और ये ऐसा क्यों संभव हुआ, क्योंकि बचपन से वो करते आ रहे थे, ये और एक कारण है बचपन से भक्ति शुरू करने के लिए। तो उद्धव ऐसे भाव विभोर होके खड़े थे, विदुर जी बहुत कुछ पूछ रहे थे उनसे, और उनको स्मरण अभी हो रहा था भगवान कृष्ण का कब, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब विदुर जी की कृपा से उनको तीव्र स्मरण होना प्रारंभ हुआ और आगे चल के वो और क्या कहने लगे हम कल सुनेंगे, कल शायद शाम को ही कथा होगी। वैसे 2:45 को बंद करना था, अभी 5-6 मिनट और हो गए। तो उद्धव जी अभी वृंदावन की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ करेंगे संक्षेप में, तो इसकी चर्चा हम कल शाम को करेंगे। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद है आप यहां पर उपस्थित रहे, और वैसे दोपहर का समय बाहर जब इतनी गर्मी होती है और अंदर आके वातानुकूलित परिस्थिति होती है और सुबह से जो व्यक्ति जगे हुए होते हैं तो क्या होता है, नींद आती है ना, लेकिन हमने देखा कि बहुत कम लोग सो रहे थे, थोड़े लोग सो रहे थे, नजर जाती है हमारी, देखते हैं सो रहे थे परंतु बहुत कम। तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना ध्यान पूर्वक श्रवण किया, और भाद्र पूर्णिमा के उत्सव में आपको हार्दिक अभिनंदन फिर से। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।